पानीपत के समालखा में एक तरफ जहां पूंजीपति लोग जन्मदिन को घरों व रेस्टोरेंट में मनाकर पश्चात संस्कृति का अनुसरण करने में पीछे नहीं है, वहीं हल्का समालखा से बीजेपी उम्मीदवार मनमोहन भड़ाना का जन्मदिन गौशाला में गौमाता बेसहारा गौवंशों व अनाथ बच्चों संग मनाकर एक अनूठी मिसाल कायम की है। हल्के के गाँव पावट्टी में ग्रामीणों ने बीजेपी उम्मीदवार मनमोहन भड़ाना का जन्मदिन गौशाला में हुए गौमाताओं के साथ मनाया। बीजेपी उम्मीदवार अपने कार्यकर्ताओं व ग्रामीणों के साथ जन्मदिन मनाने श्री कृष्ण आदर्श गौशाला गांव पावटी स्थित पहुंचे और बड़े चाव व आदर भाव से हवन यज्ञ कर गायों व बछड़ों की सेवा की। उन्हें बड़े ही सरल स्वभाव व साधारण तरीके से ग्रामीणों के बीच साथी ग्वालों का भी मान सम्मान किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में भड़ाना ने बताया कि पाश्चात्य संस्कृति को छोड़ अब लोगों को भारतीय परंपरा का निर्वहन करना चाहिए, इससे अन्य लोगों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। कार्यक्रम में हतवाला रोड से सैकड़ों मोटरसाइकिलों गाड़ियों व ट्रैक्टर के काफिले के साथ ढोल नगाड़ों की थाप पर गौशाला पहुंचे, जहां गौशाला में पहुंचने पर ग्रामीणों ने फूल मालाओं से पगड़ी पहनाकर भव्य स्वागत किया। तदोपरांत हवन यज्ञ कर मंगलाहूति डाली, अनाथ बच्चों व गौमाताओं के साथ केक काटकर गौ सेवा की। पार्टी गांव के गौ सेवकों ने गौ सेवक अनीश कौशिक के नेतृत्व में गौ सेवकों की टीम ने स्मृति चिन्ह भेंट कर भड़ाना को सम्मानित किया। इस दौरान बीजेपी उम्मीदवार भड़ाना ने कहा कि गौमाता के आशीर्वाद से दिन प्रतिदिन बीजेपी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। हल्के की जनता का विश्वास बीजेपी पर बना हुआ है। जनता के आशीर्वाद से इस बार हल्के में इतिहास रचते हुए कमल खिलाने के काम करेंगे। इस बार हल्के में कमल खिलाकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व केंद्र में नरेंद्र मोदी को मजबूत करने का काम करेंगे। जन्मदिन मना रहे हैं आपने, छोटे बच्चों के साथ मनाया गौमाता की सेवा की, आपको कैसा लगा, क्या कुछ विशेष है इसमें? इसमें विशेष ये है कि जो प्यार और सम्मान मेरे भाइयों का मुझे मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि मेरा अभी तक का सबसे सबसे बढ़िया जन्मदिन जो इनके सहयोग से मेरा मन रहा है, और यही चाहूंगा कि इन भाइयों का प्यार हमेशा मेरे साथ बना रहे, इनका सम्मान मेरे लिए बना रहे हमेशा। गौ सेवकों ने पावटी के ग्रामीणों सभी ने आपको समर्थन दिया है और रात विपिन छाबड़ा पार्षदों ने भी समर्थन दिया है, धीरे धीरे बीजेपी का कुंबा बढ़ रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल धीरे धीरे सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है और यहाँ से समालखा हल्के से भी जो है कमल खिलने वाला है, तो सभी को यह है कि भाई सरकार में रहकर काम भी करवाएंगे और उनको एक भरोसा है मुझ पर, मेरे भाइयों का, मेरे हल्का वासियों का, एक एक व्यक्ति का, कि भाई वाकई में जो अब तक यहाँ विकास कार्य कराने में सक्षम नहीं रहे हैं कुछ पहले नेता और विधायक, वो हमारा भाई मनमोहन भड़ाना करवाएगा। और मैं इनसे वायदा करता हूँ कि जो जो बातें मैंने कही हैं मैं उन पर अपना भरपूर प्रयास करूंगा कि उन पर खरा उतरूं और इनका मान सम्मान इसी तरह से मेरे लिए बना रहे। बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए आप क्या कहना चाहोगे? बीजेपी कार्यकर्ता जो है किसी भी कैंडिडेट की पूरे हरियाणा मुझे लगता है रीढ़ की हड्डी है और वो जिस तरह से बढ़िया तरीके से मेहनत कर रही है और खास करके हम समालखा में उनका उत्साह इस बार और दुगना हो चुका है, उन्हें पता है कि इस बार उनकी सीट निकल रही है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।